ठेकेदार द्वारा गांव गांव में बेची जा रही है दुगने दामों में शराब। बख्तरा और डोबी की शराब दुकान की ठेकेदार आरती कामले द्वारा बख्तरा से लेकर शाहगंज तक के समस्त गांवों में अवैध तरीके से गांवों की छोटी छोटी दुकानों पर अपनी कलाली की शराब को डबल दामों में बिकवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसे संकट काल में सारी रात कलाली खोलकर शासन द्वारा जारी निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। रोज पुलिस चौकी बख्तरा के सामने से दिन दहाड़े लगभग 2 दर्जन गाड़ियों से ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से शराब का परिवहन बख्तरा से शाहगंज तक के गांवों में किया जाता है। जिस समय से कलाली खुली है उसी समय से देशी और अंग्रेजी शराब को दुगने दामों पर बेचा जा रहा है। कलाली खुलने के समय से आज तक शराब दुकान में रेट लिस्ट तक नहीं लगाई गई है। करीब 50 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का स्टाफ रखा है जो कि ज्यादा दाम वसूली का विरोध करने पर लोगों को डराते धमकाते हैं। इस तमाम अवैध शराब के संबंध में अनेकों बार आबकारी विभाग इंस्पेक्टर सीके साहू और पीएस मीणा को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस सारे मामले में कार्रवाई तो छोड़ो जांच तक करना जरूरी नहीं समझा और हमेशा टालते रहे। जब प्रदेश के मुखिया के गृह क्षेत्र का ये हाल है तो पूरे प्रदेश में अवैध शराब को लेकर कैसे हाल होंगे, यह सोचनीय विषय है। बुधनी से नीलेश चौहान की रिपोर्ट। नमस्ते, बताएं नीलेश भैया। अरे सर, मैं ये कह रहा था अब तो रेट लिस्ट लगवा दीजिए, उससे 2 महीने हो गए। लगी होगी ना लिस्ट तो? अरे नहीं सर, कहाँ कुछ भी नहीं किया सर, वो तो बेवकूफ बना रहा है लोगों को जबरदस्ती। वो दिल से लिस्ट लगी हुई नहीं है? कुछ नहीं लगा सर, कुछ नहीं लगा। दिल से 10-20 गाड़ियों से खूब परिवहन कर रहा दारू का गाँव गाँव में, मनमाफक रेट बेच रहा है। मैंने आप सारे एविडेंस आपको दे तो दिए, उसके बाद भी उसकी बिल्कुल नहीं है उसका कोई वो इतना सा भी डर नहीं है सर। वही मेरा निवेदन था सर, इतना सा भी खौफ नहीं है। आप ये बताइए, कुछ नहीं कर रहा, ना रेट कम किए, ना रेट लिस्ट लगाई, ना अवैध परिवहन बंद किया, गांव गांव कलारी खुलवा दी सर। चलो जांच करवाते हैं। अरे अब सर आप भी बोलते ही हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ, आपने भी एक बार कुछ नहीं कराया। बता दे रहा हूँ भैया, अब जैसी शिकायत कोई आती है स्टाफ को बोलते हैं, भेजते हैं। अरे सर कोई नहीं आता, मीना जी भी कभी नहीं आए इधर सर, एक बार भी नहीं आए। चलो मैं आऊँगा, एक आध दिन टाइम निकाल के आऊँगा, किस दिन ऑफिस बंद रहेगा तो फिर मिलेंगे आपसे, है ना। चलिए ठीक है सर।